Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी रिसेंटली इंटेलिजेंस के एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, मेडिकल प्रोसेस हो गए और भी नेक्स्ट पर्सनैलिटी टेस्ट के एग्जाम में अपेयर होना है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। व्हाट इज पर्सनैलिटी टेस्ट? पर्सनैलिटी टेस्ट इज द मेथड ऑफ असेसिंग ह्यूमन पर्सनैलिटी। सेकंड, डिटरमाइंस योर स्ट्रेंथ एंड टैलेंट्स। पर्सनैलिटी टेस्ट है क्या? पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर आपकी पर्सनैलिटी को असेस किया जाता है कि आप किस पर्सनैलिटी के मालिक हैं, कि आपका बिहेवियर और एटीट्यूड और बहुत सी ऐसी आपकी जो पर्सनल वैल्यूज होती हैं वो डायरेक्टली एसोसिएटेड होती हैं आपकी पर्सनैलिटी से। डिफेंस फोर्सेस में ये चीज़ एवेल्युएट की जाती है कि जो कैंडिडेट हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो किस पर्सनैलिटी का मालिक है। सेकंड, इसमें आपकी स्ट्रेंथ को देखा जाता है कि आपकी वीकनेसेस क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और आपका स्पेसिफाइड टैलेंट क्या है। क्योंकि आपकी कुछ कोर वैल्यूज हैं तो डेफिनेटली आपका डीएनए यूनिक होने की वजह से बहुत सी आपकी वैल्यूज यूनिक है, उनको डिटरमाइन किया जाता है कि वो है क्या। पर्सनैलिटी टाइप्स में दो टाइप्स मेन होती हैं, आपकी इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी वाला पर्सन इजली हर एक के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, ये बहुत कम होते हैं, ये ज्यादा बोलचाल में पार्टिसिपेट नहीं करते, अपना लोनली रहते हैं। इस तरह की जितनी भी क्वालिटीज पाई जाती हैं ये सारी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी वाले पर्सन में पाई जाती हैं। और एक्स्ट्रोवर्ट जो हर एक के साथ इजीली इंटरेक्ट करता है, उसके साथ कम्युनिकेट करता है, तो ये एक्स्ट्रोवर्ट की पर्सनैलिटीज में जाते हैं। मजीद इन दो टाइप्स को आगे 16 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपकी लॉजिकल पर्सन आते हैं, काउंसलर पर्सन आते हैं, आपके एंटरटेनर है, डिबेटर है, एग्जीक्यूटिव है, मेडिएटर्स हैं, कमांडिंग है और एंटरप्रेन्योर है। अब इसमें देखा क्या जाता है कि जब आपका टेस्ट एक पूरी आप एग्जाम देते हैं तो एग्जाम को एवेल्युएट किया जाता है और कंप्यूटर खुद ही आपको एक बता देता है कि ये इंडिविजुअल इस पर्सनैलिटी का मालिक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑफिसर्स भर्ती करना है तो वो देखते हैं कि इस टेस्ट के अंदर से कमांडिंग पर्सनैलिटी के कितने पर्संस हैं। तो ये 16 टाइप में से आपको एवेलुएट किया जाता है कि आप किस पर्सनैलिटी के मालिक हैं। मेथड ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट, 4 मेथड यूज किए जाते हैं पर्सनैलिटी असेस्ट करने के लिए। नंबर 1, पर्सनैलिटी टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं जो ई टाइप हो सकता है, हॉट शेप में हो सकता है। हॉट शेप में पेपर पेंसिल पे होगा और ई टाइप आपका कंप्यूटर बेस होता है। थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट के अंदर आपको कोई एक ड्राइंग दे दी जाती है, आपको एक सिचुएशन बेस एक सिनेरियो दिया जाता है कि इस पे एक स्टोरी मेकअप करें। उससे 2-3 चीजें आपकी ऑब्जर्व की जाती है। नंबर 1, आपकी थिंकिंग का पता चलता है और आपकी परसेप्शंस भी एवेल्युएट हो रही होती है इसके साथ साथ। 3rd, आपका इंटरव्यू प्रोसेस होता है, इसमें फेस टू फेस मीटिंग कंडक्ट की जाती है, आपको फेस टू फेस एवेल्युएट किया जाता है, आपसे कुछ इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस किए जाते हैं, डिबेट वाले क्वेश्चंस किए जाते हैं, साइकोलॉजिकली देखा जाता है। तो इंटरव्यू 2 तरह के होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है और स्ट्रक्चर इंटरव्यू होता है। अब अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज में क्या होता है कि आपके जवाब आपके क्वेश्चंस बन रहे होते हैं, तो ये सारे अनस्ट्रक्चर्ड है, ये पहले से प्लान नहीं होते। ड्यूरिंग इंटरव्यू आपके रेज हो रहे होते हैं। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू वो होते हैं जो पहले से प्लान शुदा होते हैं कि एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस होते हैं कि ये क्वेश्चंस हमने इस फॉलोइंग कैंडिडेट से पूछने हैं, तो ये सारे आपके स्ट्रक्चर्स में जाते हैं। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, इसमें ये भी प्रोसेस आपका थ्रू इंटरव्यू भी हो रहा होता है कि उसमें एक पर्सन को डायरेक्ट ऑब्जर्व किया जाता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जितनी होती है ये आपकी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में जाती है। 5 पर्सनैलिटी फैक्टर्स होते हैं जो कि टेस्ट के अंदर डिटरमाइंस किए जाते हैं। नंबर 1, आपका एक्सट्रोवर्जेंस को देखा जाता है, केस में देखा जाता है कि आप कम्युनिटी में अपने आप को फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कैसे आप रहते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, आपका बिहेवियर क्या है, आप किस तरह लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। सेकंड, आपके पास अग्रीडेबलनेस, आप दूसरे लोगों के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, दूसरे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से सूटेबल हैं कि नहीं है, आप वर्किंग कंडीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हैं, आप वहां पे अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, ये सारी चीजें आपकी अग्रीडेबलनेस में देखी जाती हैं। और इसमें आपके पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी अग्रीडेबलनेस से रेलिवेंट आते हैं। कंसाइन्यूनेस, ट्रस्ट फैक्टर्स देखा जाता है, आप कितने हार्ड वर्किंग है, कितने आप सेल्फ डिसिप्लिनड है, आप पे ट्रस्ट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, ये सारी चीजें आपकी कंसाइन्यूसनेस में देखी जाती है। इमोशनल स्टेबिलिटी, टू बींग इमोशनल, इसके अंदर ये देखा जाता है कि आप इमोशनली स्टेबल है कि नहीं है। ओपन टू एक्सपीरियंस, आप कितना आउट ऑफ बॉक्स आउट ऑफ वे जाके सोचते हैं, आप क्रिएटिव माइंड के हैं कि नहीं है, आपका जो एक्सपोजर्स है वो किस लेवल के हैं, ओपन टू एक्सपीरियंस के अंदर देखी जाती है। एक्स्ट्रोवर्जन क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि व्हेन आई हैव फ्री टाइम, आई
मैं जब फ्री होता हूँ तो उसमें मैं क्या करता हूँ। अब आपके पास ऑप्शन पांचों के पांचों ठीक हैं, लेकिन आपने बेस्ट सूटेबल ऑप्शन इसमें से चॉइस करना है कि आप क्या करते हैं। ए में देखें कि वो कहता है ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रेफर टू डू समथिंग विद अदर्स, मैं कुछ ना कुछ दूसरे लोगों के साथ करता रहता हूँ। बी यूजली प्रेफर टू डू समथिंग विद अदर्स, कुछ ना कुछ टाइम स्पेंड करता हूँ। सी सम टाइम लाइक टू बी विद अदर्स बट ऑल्सो एंजॉय स्पेंडिंग टाइम बाय माई सेल्फ, आपका ऑप्शन सी सबसे अप्रोप्रिएट है। तो ये दोनों स्टेट्स को शो कर रहा है, ये सोसाइटीज में भी रहता है प्लस अपने आप पे भी फोकस करता है। एट पार्ट क्वेश्चन नंबर टू, एट पार्टीज आई, पार्टीज में मैं, अब ओपन हैंडेड है कि आप क्या करते हैं पार्टीज में। ए ऑलमोस्ट ऑलवेज लीव एज सून एज आई कैन, मैं जल्द से जल्द इसको लीव अप कर देता हूँ। बी यूजली लीव एज सून एज आई कैन, मैं इसको कभी कभार करता हूँ। सम टाइम लीव अर्ली देन आई हैव गो, कभी कभार मैं बहुत ही जल्दी इसको लीव कर देता हूँ। अब डी के अंदर वो कहता है कि यूजली स्टे एज लेट एज आई कैन, कभी मैं बहुत ज्यादा लेट स्टे करता हूँ। ई के अंदर वो कह रहा है कि ऑलमोस्ट ऑलवेज स्टे एज लेट एज आई कैन, कि मैं कभी, अब वो कहता है कि हमेशा से ही मैं पार्टीज में लेट स्टे करता हूँ। तो आपके पास इसमें सबसे बेस्ट आंसर है सी, क्यों, क्योंकि इसमें वो कह रहा है कि सम टाइम लीव अर्लियर देन आई हैव टू, कि मैं कभी कभार इसको जल्दी लीव कर देता हूँ, इसलिए ऑप्शन आपके पास सी बेस्ट है। सेकंड वो कहता है कि क्वेश्चन थ्री, आई प्रेफर वर्किंग आउट पर्सनल प्रॉब्लम ऑन माई ओन, अब वो कहता है कि मैं प्रेफर करता हूँ कि अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स पे काम करने को। अब ए के अंदर वो कहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, आपके मैक्सिमम टाइम मैं अपने प्रॉब्लम्स पे वर्किंग करता हूँ। बी ऑफ्टन, सी सम टाइम, डी रेयरली और ई ऑलमोस्ट नेवर, आंसर है वो ए है कि मोस्ट ऑफ द टाइम। एग्रीडेबलनेस क्वेश्चंस, अब क्वेश्चन नंबर वन है आई लव टू हेल्प अदर, मैं दूसरे लोगों की हेल्प करना पसंद करता हूँ। ए स्ट्रॉन्ग डिसएग्री, बी लिटिल डिसएग्री, सी नेवर एग्री नॉर डिसएग्री, डी स्ट्रॉन्ग एग्री, ई लिटिल एग्री। आई लव टू हेल्प अदर क्या है कि एक अच्छी आदत है, इसका जवाब बेस्ट है डी कि स्ट्रॉन्ग एग्री। क्वेश्चन नंबर टू के अंदर कहता है कि आई एम इनडिफरेंट टू द फीलिंग्स ऑफ अदर, कि मेरी फीलिंग्स दूसरे लोगों से मुख्तलिफ होती हैं, तो इसका आंसर है आपका सी बेस्ट। क्यों, क्योंकि आपका कभी कभार आपकी डिफरेंट होनी भी चाहिए और कभी कभार नहीं भी होनी चाहिए, आपका बेस्ट आंसर है सी। आई ट्रस्ट अदर्स, मैं दूसरे लोगों पर ट्रस्ट करता हूँ, ये गलत भी है और ठीक भी है, तो इसका जवाब आता है सी कि कभी कभार करना भी चाहिए और कभी कभार नहीं भी करना चाहिए। कंसाइन्यूनस क्वेश्चन वन, वो कहता है कि आई टेक कंट्रोल द सिचुएशंस, सिचुएशंस में आप क्या अपने आप को कंट्रोल करते हैं। एग्री डिसएग्री ए बी और बोथ ए एंड बी, ये अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाते तो ये आप नेगेटिविटी है, तो इसलिए आपने इसको कहना है एग्री। आई थिंक हाईली टू माई सेल्फ, मैं अपने अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचता हूँ, तो इस वजह से आपने इसका जवाब एक जनरल सा देना है, तो डी ऑप्शन सबसे बेस्ट है कि आप अपने बारे में सोचते भी हो और नहीं भी सोचते। आई वर्क हार्ड, मैं बहुत मेहनती हूँ। एग्री डिसएग्री नॉर ए एंड बी बोथ ए एंड बी, तो इसमें आपने एग्री कहना है। इमोशनल स्टेबिलिटी क्वेश्चन, ये आपकी ज्यादा इमोशन से रेलिवेंट होते हैं। आर यू यूजली एबल टू स्लीप इजली एंड टू स्लीप वेल, आपने कहना है यस डेफिनेटली आप, तो इसका आंसर है यस। क्वेश्चन नंबर टू, डू यू फील हैप्पी और सैड सम टाइम फॉर नो पर्टिकुलर रीजन, की कोई रीजन है ही नहीं तो आप बिल उसमें परेशान और हैप्पी होते हैं, तो इसका आंसर है यस। डू यू टेक ऑफेंस इजली, आपने नो कहना है, क्यों, क्योंकि ये आपका एक नेगेटिविटी। आर यू आवरली कंसर्न्ड अबाउट योर हेल्थ, आप इसका आंसर यस, क्यों, क्योंकि आपकी हेल्थ की डिफेंस फोर्सेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। ओपन टू एक्सपीरियंस क्वेश्चंस होते हैं कि आपके एक्सपीरियंस से रेलिवेंट आपको चेक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर वन, एंजॉय हेयरिंग न्यू आइडियाज, अगर आपने कोई नया आइडिया सुना तो आप कैसा रिएक्ट करेंगे। वेरी इनएक्यूरेट, मॉडरेट इनएक्यूरेट, नेथर इनएक्यूरेट, नॉर एक्यूरेट, आपके मॉडरेट एक्यूरेट और वेरी एक्यूरेट, तो इसका जो बेस्ट आंसर है सी। एंजॉय थिंकिंग अबाउट थिंग्स, चीजों के बारे में सोच के आप एंजॉय करते हैं, तो इसका जवाब बेस्ट है डी। क्वेश्चन नंबर थ्री है अवॉइड फिलोसफिकल डिस्कशंस, तो इसका सबसे आंसर है बी,
लिटिल बिट उसमें फिलोसफिकली डिस्कशन हो भी जाती है, 100% कोई पर्सन नहीं है कि वो इस इन चीजों से अवॉइड करें, तो इसलिए इसका आंसर है बी। अब आपके पास कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 में आके अर्ली इन द मॉर्निंग आप सुबह उठ के सबसे पहले क्या करते हैं, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। कहीं लोग नमाज पढ़ते हैं, कहीं एक्सरसाइज करते हैं, कहीं तो ऐसे बहुत से ऑप्शन हैं जो मॉर्निंग में किए जाते हैं। तो इसका जो बेस्ट सूटेबल आंसर है वो है कि गो फॉर प्रेयर और एक्सरसाइज, के आप नमाज के लिए जाते हैं या एक्सरसाइज के लिए जाते हैं। आपके क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है थिंक अबाउट अदर पीपल्स, आप दूसरे लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। व्हेन दे आर इन ट्रबल हेल्प देम, आप उनकी जब भी वो मुसीबत में होते हैं तो आप क्या करते हैं, उनकी मदद करते हैं। एटीट्यूड टूवर्ड जॉब इज, तो ये हमेशा आपका पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव एटीट्यूड को गवर्नमेंट सेटअप्स में एक्सेप्ट नहीं किया जाता, हत्ता प्राइवेट में भी नहीं एक्सेप्ट किया जाता, ऑलवेज पॉजिटिव। आप क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि पार्टिसिपेट इन डिबेट में, आप पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं करते किसी मैटर पे। अनविलिंगनेस पॉलिटिकल आर प्ले इम्पोर्टेंट रोल्स इन, तो किस में, अब ये डिपेंड ऑन यू, आप लिख सकते हैं एजुकेशन में, आपकी इकोनॉमी में, किसी में भी लिख सकते हैं। तो मैं इसमें ले रहा हूँ डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, तो ये आपकी मर्जी, आप कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो आप कोशिश ये करें कि आपके पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर ज्यादातर पॉजिटिव रहें। क्वेश्चन नंबर 6 में देखा जाता है कि आई रियली इंजॉय व्हेन हेल्प टू अदर पीपल्स, मैं दूसरे लोगों की मदद करके खुश रहता हूँ, ज्यादा इंजॉय करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 आई डोंट लाइक, मैं नहीं पसंद करता क्या चीज, टू पार्टिसिपेट इन अननेसेसरी एक्टिविटीज, इसमें ड्रग्स की भी हो सकती हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो जा सकती हैं, ये सारी चीजें आपने अनलाइक करनी है। तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस थे। अभी चलते हैं स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्वेश्चंस में, तो ये भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि आप अपनी 5 वीकनेसेस के बारे में बताएं। तो इसमें कोशिश करना है कि आप बिल्कुल वो बताएं, अपनी वीकनेसेस शो करें जो जनरल किस्म की हो, जो कि कॉमन लोगों में पाई जाती हैं। आपकी 5 वीकनेसेस मैंने 5 उसमें लिखी हैं जनरल किस्म की, आप ये उसमें लिख सकते हैं। नंबर 1 सेल्फिश, जो कि मैक्सिमम हर एक पे अप्लाई होती है, तो इनकी वजह से कोई आपको नुकसान नहीं हो सकता। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लेजीनेस है, क्लोज माइंड है, आपकी एग्रेसिवनेस है, तो इंसान है कभी कभार गुस्सा भी आ जाता है, क्लोज माइंड है, ये सारी आपकी ऐसी आपकी वीकनेसेस हैं जो कि एक कॉमन पर्सन में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है टेल अबाउट योर 5 स्ट्रेंथ, अब 5 स्ट्रेंथ आपकी कोई भी हो सकती है, आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, लेकिन जनरल मैंने 5 उसमें लिखी हैं कि गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए टुवर्ड सर्वर्स, आपकी कोलीग्स, ईच एंड एवरीथिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, हार्ड वर्कर होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, इन डेप्थ इंटरप्रेटर, ये सारी चीजें क्या है, एक पॉजिटिव मैनर्स में जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है योर फेवरेट पर्सनैलिटी एंड व्हाई, अब इसमें वो पूछता है कि आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी कौन सी है और क्यों है। अब मैंने यहाँ पे 2 लिखी हैं, कायदे आजम और सेकंड जनरल जियाउल हक, क्यों, अब इसकी मैंने अब वाई में क्या लिखा है कि हैविंग ग्रेट लीडरशिप स्किल्स एंड गुड डिसीजन मेकिंग। अब बहुत ज्यादा कोई लंबी जोड़ी इसमें कहानी नहीं लिखनी कि वाई, वो जस्ट एक आपको चेक कर रहे हैं कि आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी कौन सी है। अब इन दोनों को मैंने लिया है कि लीडरशिप स्किल्स इनकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी इस और डिसीजन मेकिंग बेस्ट थी इस वजह से। तो ये आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं, तो इसमें आपकी चेंज भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि यही लिखने, लेकिन पॉजिटिव लिखें और जर्नल लिखें जो कि हर बंदे में पाई जाती है। अब आपके पास पिक्चर स्टोरी राइटिंग आती है, आपकी थीमेटिक किस्म के क्वेश्चंस आते हैं, अब इनको बड़ा केयरफुल होकर करना है। सेकंड एक चीज इसमें भी आपने ध्यान रखना है कि ये भी सिर्फ पॉजिटिव मैनर में ही आपने सेंस करना है कि अब पिक्चर आपको नजर आ रही है तो आपने हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव लिखना है, नेगेटिव इसके बारे में ना सोचना है ना ही लिखना है। अभी ये देखें कि पिक्चर्स आपके पास, ये पिक्चर्स अभी क्या शो कर रही है, अब ये देखें आपके पास, अब मैंने इसमें क्या कहा है कि ABC इज अ कॉलेज स्टूडेंट, ये एक कॉलेज का स्टूडेंट है। He could not continue his study due to his family circumstance. के ये अपनी फैमिली की वजह से अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं रख सका, तो इसने क्या किया है कि अपनी जॉब की सर्च में एक जॉब सेंटर पे आया। ये क्या है, आपका जॉब सेंटर है, तो यहाँ पे काफी सारी लंबी लाइन लगी हुई है लोग जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आए हैं, तो ये भी जॉब के लिए आया है और इसके पास जॉब नहीं है। तो एट द एम्प्लॉयमेंट सेंटर ABC सॉ थाउजेंड ऑफ पीपल्स वर वेटिंग हेयर फॉर जॉब, अब देखें कि थाउजेंड ऑफ पीपल्स यहाँ पे वेट कर रहे हैं जॉब के लिए। देन एंड देयर ही डिटरमाइन डेट ही वेस्ट योर टाइम, कि वो अपना टाइम यहाँ पे जाया कर रहा है। ही डिसाइडेड स्टडी हार्ड, क्या मैं मेहनत ज्यादा करूंगा,
एंड इवेंचुअली क्वालिफाइड हिमसेल्फ एज ए फर्स्ट क्लास इंजीनियर, और अपने आप को एक फर्स्ट क्लास इंजीनियर बनाऊंगा। देन ही स्टार्टेड एन ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, कि उसका एक गोल था मैं ऑटोमोबाइल वर्कशॉप बनाऊंगा, तो इसके थ्रू अच्छी मेहनत करके अच्छा पढ़ के वो एक अच्छा इंजीनियर बन सकता है और इंजीनियर बन के वो अपना काम कर सकता है। तो इसकी ट्रांसलेशन मैंने दो शेप्स में दी है, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। तो आप दोनों में से जो आपका दिल करे आप उसे स्टडी करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब ये देखें कि आपकी पिक्चर नंबर टू में क्या कह रहा है। अब ये जो इसके सामने पड़ा हुआ है ये गिटार है और ये स्टूडेंट एक थिंक आउट कर रहा है। अब ये क्या सोच रहा है कि ABC इसका नाम है और ये एक स्टूडेंट है। अब इसके नंबर एग्जाम में अच्छे आए हैं और इसको वाला साहब ने एक फादर ने गिटार गिफ्ट किया है, तो ये अभी सोच रहा है और खुश भी है और सोच भी रहा है कि मैं नेक्स्ट अगर स्कोर अच्छा करूंगा तो मुझे वाला साहब नेक्स्ट ईयर कौन सा गिफ्ट देंगे। इसी तरह पॉजिटिव व्यू में आप कोई भी चीज लिख सकते हैं। अब ये पिक्चर नंबर थ्री को अगर देखें तो इसमें क्या इमेजिनेशंस आ रही हैं। अब ये देखें कि एक लड़का दौड़ रहा है और इसके पीछे दो और लड़के हैं। ABC एन एक्टिव कॉलेज स्टूडेंट, ये क्या है कि एक कॉलेज स्टूडेंट है, ये अपनी समर की छुट्टियां गुजारने के लिए इसने क्या किया कि इसने ऑल ओवर पाकिस्तान टूर एक अरेंज किया और ये इसने किस पे करना था टूर प्लानिंग, और कराची से लाहौर तक इसने जाना था सबसे पहला जो इसका टूर था। अब नाइट की जर्नी में क्या हुआ कि एक औरत से कुछ चोर कुछ चीज चुरा के चला गया, तो औरत चलाई चोर चोर चोर, तो मिस्टर ABC ने देखा कि इस स्टूडेंट ABC ने देखा कि दो चोर आपकी ट्रेन से नीचे उतर रहे हैं। इसने बगैर डरे उनके पीछे छलांग लगाई और क्या किया कि उन चोरों के पीछे भागना स्टार्ट कर दिया उनको पकड़ने के लिए, और दोस्तों को आवाज दी कि ट्रेन की चेन खींचे, और आखिरकार उसने उन चोरों को पकड़ लिया। इतने में सारे पैसेंजर्स भी वहां पे इकट्ठे हो गए और सब ने उसको अप्रिशिएट किया। तो ये तो एक एस्पेक्ट था, इसके अलावा और भी एस्पेक्ट बन सकते हैं कि इन्होंने ट्रेन पकड़नी थी, ट्रेन के पीछे ये तीन दोस्त हैं तो इनकी ट्रेन मिस हो गई है, तो इन्होंने ट्रेन को पकड़ना है, उनके पीछे ये भाग रहे हैं, तो ये सारे एस्पेक्ट आप इसमें डाल सकते हैं। अब राइट अ शॉर्ट स्टोरी, आपके पास दो तरह के ये भी क्वेश्चंस आते हैं। नंबर वन, या वो पूछ लेता है कि अबाउट योर सेल्फ लिखें, अपने बारे में कुछ बताएं, या वो ये कहता है कि आप टाइम को किस तरह मैनेज करते हैं। कोई भी और क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन मैं आपको उसके ये क्वेश्चन आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपने लिखना क्या है यहाँ पे, मैं जस्ट इसके कुछ आपको टिप्स बताऊंगा कि आप किस उन टिप्स की मदद से इन क्वेश्चंस को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। नंबर वन, अबाउट योर सेल्फ, अगर क्वेश्चन आ जाता है अबाउट योर सेल्फ तो आपने क्या करना है कि टिप नंबर वन क्या है, डिफाइन करेक्टर्स विच यू वांट टू एक्सप्लेन। सबसे पहले आपने अपना करेक्टर डिफाइन करना है, आप अपने पूरे होल को तो डिफाइन नहीं कर सकते, तो आपने अपना एक करेक्टर बताना है कि आप लोगों की हेल्प करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तो आपने उस एक करेक्टर को डिफाइन करना है, अपने आप को पूरा होल एक्सप्लेन नहीं करना। तो ये इसे दो फायदे होंगे, नंबर वन आपकी स्टोरी बिल्कुल शॉर्ट सी होगी, और दूसरा क्या होगा कि आप इजिली अपने आप को डिफाइन कर सकते हैं। सेकंड, प्रीसाइज टाइटल ऑफ योर शॉर्ट स्टोरी, अपनी जो स्टोरी है उसके शॉर्ट सा टाइटल देना है कि अब आपने कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करनी है तो उसका आपने कम्युनिकेशन स्किल्स का टाइटल देना है। अब आउटलाइन योर शॉर्ट स्टोरी, तो उसकी आउटलाइंस देनी है कि इसमें मैं अब मेरे ये वीकनेस है, स्ट्रेंथ है, मैं लोगों के साथ किस तरह कम्युनिकेट करता हूँ, ये सारी इसकी आउटलाइंस आपने बनानी है, और ये सारी चीजें आपने सिंपल 50-100 वर्ड्स के दरमियान लिखनी है ताकि आपकी 3-5 मिनट के दरमियान आप इसको कंप्लीट कर लें। इससे ज्यादा नहीं जाना क्योंकि इससे ज्यादा जाने का फायदा नहीं है। अगर जब आपने इसका करेक्टर और आउटलाइन और टाइटल डिफाइन कर लिया तो वहां ही एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपकी परसेप्शन और आपका आइडिया और नॉलेज वहां उसको पता चल जाएगा, और इसका सेटिस्फाइंग एंड करना है एक उसमें। अब दूसरे की तरफ चलते हैं, ये हाउ टू मैनेज योर टाइम, अगर आपके पास टाइम की बात हो तो आप टाइम को किस तरह मैनेज करेंगे, तो मैंने इसका टिप ये दिए, टिप आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने 24 आवर्स पर डे को एक छोटी सी डिवीजन दे लीजिए। नंबर वन, आप जॉब में है, ऑफिस में है, या बिजनेसमैन है, कुछ भी करते हो तो आप कम से कम 8 घंटे वहां पर स्पेंड करते हैं, तो उसमें आप क्या करते हैं कि कंप्लीट मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क फर्स्ट, लर्न टू से नो इन सम सिचुएशंस। ये इंपोर्टेंट पॉइंट है कि से नो, हमेशा जरूरी नहीं कि आपने यस सर यस सर यस सर ही करनी है, कभी कभार नो का फैक्टर्स भी आप में होना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज
फॉरलाजा की होती हैं, आप जब ड्यूटी से वापस आते हैं आप स्पोर्ट करते हैं, जिम करते हैं, इंटरनेट ब्राउजिंग करते हैं और स्टडी करते हैं, ये सारी एक्टिविटीज को आप 4 घंटे देते हैं। आप स्लीपिंग एटलीस्ट 7 to 8 hours में प्रॉपर उसमें स्लीपिंग करता हूँ। गेट एन अर्ली स्टार्ट, सुबह सवेरे मॉर्निंग में उठता हूँ। डोंट वेस्ट टाइम इन अन इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज में मैं टाइम स्पेंड नहीं करता। अगर ये इतनी चीजें आप थोड़ी बहुत भी लिख देंगे तो एक बंदे को आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअल आपकी टाइम की स्पेंडिंग क्या है और आप टाइम को कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो पूरे एक दिन में। तो अगर दोस्तों आज के इतना ही लेक्चर था, होपफुली के जो मैंने आपको 5 टाइप्स बताई हैं, आपको ये टिप्स दिए हैं छोटे छोटे, आपको जो स्टोरी की टेक्निक्स बताई हैं, तो इससे आप पर्सनैलिटी टेस्ट 110% इंशाल्लाह क्वालिफाइड कर जाएंगे। तो अगर इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, अपने कमेंट्स कीजिए, उन कमेंट्स के थ्रू मैं आपको रिप्लाई दूंगा तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। तो बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे मुस्तफीद हों।